वेलकम बैक टू इंडियन टॉक गाइस, आज देखने वाले हैं दी ऑल न्यू 2021 BS6 कंप्लाइंट टोयोटा फॉर्च्यूनर को फर्स्ट टाइम इंडियन मार्केट में। इस गाड़ी को कंपनी ने लॉन्च कर दिया था, कुछ 10 दिन के आसपास हो गए हैं इसको लॉन्च हुए को, और आज फर्स्ट टाइम जो है इसका मैं आप लोगों को फर्स्ट वॉक अराउंड रिव्यू शेयर कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में आप लोग देख सकते हैं फ्रंट जो नई ग्रिल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, पियानो ब्लैक फिनिश है, टोयोटा का लोगो यहाँ पर क्रोम में दिया गया है, नीचे ड्यूल शेड में आपको बम्पर मिल जाता है और क्रोम स्ट्रिप जो है वो आप देख सकते हैं हेडलाइट से होकर नीचे ग्रिल तक आती है, और DRLs भी दिए गए हैं हेडलाइट और नीचे बम्पर पे। फॉग लैम्प हाउसिंग भी काफ़ी अच्छी दी गई है पूरी ब्लैक फिनिश के अंदर, और फ्रंट में काफ़ी एग्रेसिव मैसिव लुक मिलता है इसको। टर्न इंडिकेटर्स भी यहीं पर आपको काम करते हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल में, तो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी बड़े 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, बिकॉज इंडिया में अलॉय व्हील्स बड़े लोगों को पसंद होते हैं, फिलीपींस में ये 17 इंचेस के साथ में आते हैं। एंड पेडल लैंप्स यहाँ पर दिए गए हैं, ऊपर देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ग्लास है, सनरूफ अभी भी मिस है इसके अंदर, रूफ रेल्स मिल जाती है, एंड अगर सनरूफ होता तो काफ़ी अच्छा पैकेज ये बन जाता, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि कंप्लीट पैकेज जो है ये कहला सकता था। तो पटल लैंप आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और इसके जो मिरर्स हैं वो भी आप लोगों को की से नहीं बंद करने पड़ेंगे, अंदर से ही बंद करने पड़ेंगे, यानी कि फोल्ड अनफोल्ड करने पड़ेंगे। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल वो मिलते हैं, फोल्डेबल मिलते हैं, बट वो की से जो है ऑपरेट नहीं होते हैं। और ये जो सिल्वर कलर के अलॉय व्हील्स हैं वो भी ऐसा लग रहा है कि और ज़्यादा अच्छे बनाए जा सकते थे, और ज़्यादा एग्रेसिव डिज़ाइन जो है वो दी जा सकती थी। मड फ्लैप यहाँ पर दिए गए हैं, जो ओवरऑल बॉडी कैरेक्टर है वो काफ़ी अच्छी मस्कुलर डिज़ाइन के साथ में है, एंड विंडो डाउन लाइन आप लोगों को पूरी क्रोम की मिलती है, और 280 डिग्री आपको क्रोम सराउंड मिलती है विंडो डाउन लाइन यहाँ पर देख सकते हैं। ग्लास भी काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। क्रोम में आप लोगों को डोर हैंडल्स मिलते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर दोनों ही साइड में मिलते हैं फ्रंट डोर्स पे, रियर क्रोम डोर हैंडल्स, एंड पीछे जो है व्हील आर्चेस देख सकते हैं काफ़ी अच्छी नीट एंड क्लीन दी हुई है, एंड दूर से देखने में फॉर्च्यूनर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बॉक्सी डिज़ाइन जो है ये इसकी वही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इसको बनाती है। अब पीछे से देखेंगे कि कैसी है, और इसका बूट ओपन करके भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके बूट अगर ओपन करते हैं तो कितना आप लोगों को स्पेस मिलता है। ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप से ये बूट इसकी ओपन होती है, इलेक्ट्रॉनिकली टेल गेट दी गई है जिससे आप क्लोज और ओपन दोनों कर सकते हैं, की से भी आप कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, और बटन टच करते से ही जो है लीड वो क्लोज हो जाती है, एंड ये देख सकते हैं पूरा क्रोम ट्रीटमेंट दिया हुआ है, फॉर्च्यूनर उस पर लिखा हुआ है, ऊपर टोयोटा का लोगो दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो टेल लैंप है ये देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, और नाइट में ये डेफिनेटली बहुत ही प्रीमियम लुक जो है वो देते हैं पीछे से फॉर्च्यूनर को। ये नीचे जो दी गई है ये भी रिफ्लेक्टर्स नहीं है, सिर्फ लाइट भी है, यहाँ पर इनके अंदर लाइट दी गई है, यहाँ पर कैमरा लगाया गया है नीचे की साइड में, फॉर्च्यूनर की बैजिंग यहाँ पर की गई है क्रोम स्ट्रिप के ऊपर, और रियर लुक जो है वो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखा गया है। सिग्मा 4 की बैजिंग, ये 4x4 ऑटोमेटिक वेरियंट जो है वो आप लोग देख रहे हैं। ऊपर की साइड में जो स्पॉयलर है वो काफ़ी बड़ा है, और ऊपर शार्क फिन एंटीना माउंट किया हुआ है, स्पॉयलर की साइज़ बहुत बड़ी है, स्टॉप माउंट क्लैंप उसी के अंदर इंटीग्रेट किया हुआ है, रियर डिफॉगर वाइपर वॉशर सभी चीज़ें मिल जाती है इसके अंदर आप लोगों को। नीचे से एक बार देख लेते हैं कि नीचे से जो ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह है वो कैसा क्या है, तो आप देख सकते हैं डिपार्चर एंगल बहुत अच्छा है इस गाड़ी का, एग्जॉस्ट पाइप सिंगल है, और इधर ही जो है आप लोगों को स्पेयर व्हील भी मिलता है, जबकि अब रूल आ गए हैं कि देना ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी कंपनी दे रही है जो कि बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इंडियन कंडीशन में उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर्स को। अब इंटीरियर एक बार चेकआउट करते हैं, तो डोर्स जो हैं वो काफ़ी वाइड ओपन होते हैं देख सकते हैं आप लोग, एंड यहाँ पर आप लोगों को एल्युमिनियम फिनिश मिलती है पूरी क्रोम सराउंड आप लोगों को, डोर हैंडल्स मिलते हैं यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश, और वो स्टारी फिनिश उसके अंदर मिलती है, सॉफ्ट टच मटेरियल स्टिचिंग्स के साथ में यहाँ पर दिया गया है। नीचे आप लोगों को ये 1 लीटर बोतल होल्डर, और यहाँ पर स्पीकर्स की प्लेसिंग की गई है, JBL के 11 स्पीकर्स मिलते हैं, जिनका साउंड आउटपुट कैसा है वो मैं डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। यहाँ पर आर्म रेस्ट दिया हुआ है, आर्म रेस्ट के अंदर यहाँ पे 2 कप होल्डर दिए गए हैं इंटीग्रेटेड, जिसे आप ऑन कर सकते हैं ऑफ कर सकते हैं, यानी कि बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। सीट के अंदर आप लोगों को ये हेडरेस्ट दिए गए हैं, और तीनों हेडरेस्ट आप लोगों को एडजस्टेबल मिलते हैं सेंटर सीट में। नीचे जो फ्लोर है वो भी सही है, ज़्यादा बड़ा हम्प नहीं है, जिसकी वजह से कोई परेशानी जो है वो आपको नहीं आने वाली है, यानी कि जो थर्ड पैसेंजर बैठेगा वो भी काफ़ी कंफर्टेबली यहाँ पर बैठ पाएगा, उसे कोई परेशानी नहीं आएगी। अब सीट को जो है यहाँ से ऐसे टंबल कर सकते हैं नीचे की तरफ, और पीछे जो है 2 बच्चे बैठ सकते हैं, बड़े वहाँ पर नहीं बैठ सकते हैं, इतनी स्पेस नहीं है, और पीछे वाले लोगों के लिए भी हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल दिए गए हैं। पीछे वाले लोगों के लिए यहाँ पर आपको USB पोर्ट मिल जाता है, AC वेंट्स भी मिलते हैं,
जो कि अगेन काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, और देख सकते हैं सीट को ऐसे आप ऊपर कर सकते हैं और रिक्लाइन जो है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ। इसी इवेंट्स दिए गए हैं, LED लाइट्स दी हुई है केबिन के लिए, और पीछे की तरफ भी एक लाइट दी हुई है जो बूट में भी काम में आएगी और साथ ही साथ थर्ड रो के लिए भी यूज़फुल रहने वाली है। गाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए फुल फ्लोर बोर्ड का आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, बिकॉज इतना हाइट है कि डेफिनेटली हर कोई ऐसे नॉर्मली उसके अंदर चढ़ नहीं सकता या उतर नहीं सकता, बट जो फ्लोर बोर्ड है वो काफ़ी सही पोजीशन पर रखा गया है और उसे इजीली एक्सेस किया जा सकता है। आगे से देखते हैं कि आगे से कैसी दिखती है, तो ये देख सकते हैं गेट जो है वो बिल्कुल सेम डिज़ाइन में है, स्टिचिंग्स जो है वो बहुत ही प्रीमियम लगती है, ऊपर आपको यहाँ पर डोर्स पे ट्विटर्स मिल जाते हैं JBL की बैजिंग के साथ में, दोनों ही साइड में आपको JBL की बैजिंग मिलती है। यहाँ पर आपको ये गेट पे लाइट्स भी दी गई हैं, सीट्स आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिलती है फ्रंट दोनों ही सीट्स, एंड यहाँ पर देख सकते हैं आपको लॉक का फीचर दिया हुआ है जिसमें आप एयरबैग जो है वो लॉक कर सकते हैं। ऊपर आपको डैशबोर्ड पे काफ़ी अच्छा मटेरियल मिलता है, बट वो हार्ड मटेरियल है, सॉफ्ट टच मटेरियल आपको सिर्फ जो है स्टेयरिंग के ऊपर के साइड में वहीं पर मिलता है। सीट्स काफ़ी कुशनेबल है और काफ़ी बड़ी है, यानी कि आपकी हेल्थ या जो बॉडी है वो अगर ज़्यादा लार्जर साइज़ की है तो भी आप वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से बैठ पाएंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। JBL का ही साउंड सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है और वो बहुत ही अच्छा जो है साउंड आउटपुट आपको प्रोड्यूस करके देता है, एंड डेफिनेटली ये पूरी गाड़ी के अंदर आप कहीं पर भी बैठ जाएँ साउंड का मज़ा जो है वो नेक्स्ट लेवल है। स्पोर्ट्स मोड, इको मोड, नॉर्मल मोड यहाँ पर दिए गए हैं, तीन मोड आप अलग अलग डेडिकेटेड स्विच हैं उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर सनग्लास होल्डर दिया हुआ है, IRVM जो है वो आपको ऑटो डिमिंग मिल जाता है इसमें, एंड यहाँ पर आपको ये वैनिटी मिरर मिलता है। तो ये है द ऑल न्यू 2021 टोयोटा फॉर्च्यूनर पेडल शिफ्टर्स के साथ में। अब लेजेंडर का वॉक अराउंड भी बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेक श्योर इस वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस करें। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सी यू टुमारो नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड ड्राइव सेफ।